हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और साथ में आपके शिखा ठाकुर। देखिए, कोरोना का ये वक्त है, आपने अपना ज्यादातर समय वेब सीरीज को देखकर निकाला होगा, लेकिन आपको अगर वेब सीरीज मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स या फिर आश्रम में हिंसा और गालियों की जाती लगती है या फिर अश्लील सीन से आप आहत होते हैं तो हमारी अगली रिपोर्ट आपके लिए है। देखिए, केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर आने वाले यानी ऑनलाइन शो, फिल्में और न्यूज तक को निगरानी के दायरे में शामिल कर लिया है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या अब सरकारी नियंत्रण से चलेंगे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और क्या अश्लील वेब सीरीज पर चलेगी अब सेंसर की कैची। देखिए अगली रिपोर्ट। तो कभी रैम में एम का क्या मतलब है? हिंदू और नाटक क्यों कर रहा है तू? पा रहा है क्या? पिछले एक साल में एक के बाद एक इंटरनेट आधारित नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उन पर रिलीज होती फिल्मों और वेब सीरीज ने भारतीय दर्शकों के बीच अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, तब पता नहीं कहां से बाबा जी आ गए मेरी जिंदगी में और सब बदल दिया। लेकिन ऑनलाइन कंटेंट जैसे फिल्में, वेब सीरीज, यहां तक के डिजिटल न्यूज को भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने के लिए इस हफ्ते एक अधिसूचना जारी कर दी गई और इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ गई। बहुत से लोगों का मानना है कि यह गलत पॉलिटिकल एजेंडा और अश्लीलता को रोकने के लिए एक जरूरी कदम है। वहीं बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी और क्रिएटिव लिबर्टी पर हमला है। सवाल यह है कि सरकारी नोटिफिकेशन के मायने क्या है? क्या डिजिटल कंटेंट को सेंसर किया जाएगा और क्या डिजिटल कंटेंट को सेंसर करना इस समस्या का हल है? दरअसल टीवी पर आने वाले प्रोग्राम्स को केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के तहत चलना होता है। वहीं सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत चलती है। उसी तरह प्रिंट मीडिया, न्यूज भी किसी न किसी तरह रेगुलेट होते हैं। लेकिन ऑनलाइन कंटेंट और डिजिटल न्यूज का अभी तक रेगुलेशन नहीं है और इसे भी भारत सरकार अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जारी हुए नोटिफिकेशन के दायरे में ले आई है। इससे सवाल ये कि क्या अब नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ऑल्ट बालाजी में दिखने वाली वेब सीरीज और फिल्मों को किसी सेंसर बोर्ड से होकर गुजरना होगा? क्या सरकार की सख्ती इन पर होगी? आखिर इस सरकारी नोटिफिकेशन के मायने क्या हैं? शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हूँ। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी, ऑल्ट बालाजी जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट चैनलों पर आती इन वेब सीरीज और फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत है टीवी की दुनिया से बिल्कुल अलग नए आइडियाज, भव्य बजट, नई प्रतिभाओं और एक नए अंदाज के एंटरटेनमेंट की जमीन तलाशना। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे बीच चुराए तो उन्हें मार के चले जाए। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे। बड़ी ना सही, छोटी करेगी। लोगों को घर बैठे कुछ नया मिल रहा है और खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान जब सिनेमा घर बंद थे तो इस कंटेंट ने घर बैठे लोगों के लिए मनोरंजन के नए दरवाजे खोल दिए। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, बोलो कितने तीतर, सामने रख दो ना गिन के बता देगा तीन तीतर। लेकिन अच्छाइयों के साथ बड़े बड़े विवाद भी खड़े होने लगे जब सीक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, पाताल लोक, आश्रम और लैला जैसी वेब सीरीज के ऊपर अश्लीलता, गाली गलौच और धर्म की गलत तस्वीर पेश करने तक के आरोप लगे। बेहोशी की हालत में मेरे सर गंदा काम किया है। मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। हालांकि मिर्जापुर और इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज क्रिएट करने वाले करण अंशुमन सरकार के इस नए फैसले से नाराज नजर आते हैं। ये एकदम जायज नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। यदि हम अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बना रखना चाहते हैं तो ये एकदम इट्स अ सिली रिग्रेसिव मूव एंड वी शुड रोल इट बैक। पाताल लोक और लैला जैसी मशहूर वेब सीरीज पर तो राजनीतिक बहस भी छिड़ी। सोशल मीडिया पर इन्हें बैन तक करने की मांग की जाने लगी। आपका जीवन परिवर्तित होने जा रहा है, परिवर्तन के लिए तैयार हो। जय आर्यभट्ट।
बहुत से दर्शकों की आपत्ति की वजह यह भी थी कि भारत में बने ये शो दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में देखे जा सकते हैं और आहत हुए लोगों का मानना है कि किसी एजेंडा के तहत इससे दुनिया भर में देश की गलत तस्वीर पेश की जा रही है। बलिदान देना होगा। इसका बिजनेस एंगल भी है। देश में दर्शकों का एक बड़ा वर्ग अब OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक 2023 तक केवल भारत में ही OTT का बाजार 3.5 लाख करोड़ रुपए का होगा और आने वाले समय में इसके विस्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने एंटरटेनमेंट के ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ साथ ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स को भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने के लिए ये अधिसूचना जारी की है। इंटरनेट को सेंसर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। या तो आप चाइना जैसे कंट्री बन जाएं या ईरान जैसे कंट्री बन जाएं या सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री बन जाएं, और वो हम है नहीं, हम डेमोक्रेसी है और हमको गर्व है उस बात पर। तो अगर आप उस नज़रिए से देखिए तो फिर सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स ही क्यों, जो व्यक्ति अब इंस्टाग्राम में कुछ डालता है उसका भी, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ INB में आना चाहिए, वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो यूट्यूब पे होता है, जो किसी वेबसाइट पर होता है, तो इसका कोई एंड नहीं है। और करोड़ों वीडियोज़ बनते हैं, एक मिनट के अंदर करोड़ों वीडियोस बनते हैं, आप किसको सेंसर कीजिएगा। तो एक बॉडी जो बनाना है वो किस तरह का बॉडी होगा, यूजुअली सेल्फ रेगुलेशन के लिए ही लोग चाहते हैं। सरकार का पक्ष है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रिंट मीडिया के रेगुलेशन के लिए प्रेस काउंसिल है, न्यूज चैनलों के लिए ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। लेकिन डिजिटल माध्यम के स्वायत्त या रेगुलेशन को लेकर कोई एजेंसी, नियम या कानून नहीं है और पिछले एक साल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अश्लीलता और हिंसा की वेब सीरीज और कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई है। बता दें कि इस नए सरकारी नोटिफिकेशन के दायरे में न सिर्फ नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, सोनी लिव और Z5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स, बल्कि द वायर, द प्रिंट और स्क्रॉल जैसी समाचार वाली वेबसाइट्स भी आ जाएंगी। कई जानकार इस कदम को नए जमाने में पीछे जाने वाला कदम बता रहे हैं। इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्टेंट क्रिएटर कि कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, राइट, और उसको आजादी होनी चाहिए वो कहने के लिए। अगर उसने कुछ ऐसी बात कही जो गलत है, राइट, जैसे डेफेमेशन किया, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ बात कही, तो वो लॉज है इंडिया में और बहुत लोग जाते हैं कोर्ट पे और बहुत सारी फिल्में जो आई हैं नेटफ्लिक्स पर या सीरीज आई हैं वो भी कोर्ट केसेस बनी हैं। तो वो जो अधिकार है वो एक व्यक्ति के पास पहले से है, राइट, उसके ऊपर और लगाने की क्या जरूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही कहा कि अगर आपको कोई चीज पसंद ना हो और आपको लगता है कि ये शायद आपको पसंद ना आए तो आप ना देखें, ना कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है। तो अब होगा क्या अगर डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म सरकारी निगरानी में रहेंगे, तो क्या हर चीज सेंसर की जाएगी? अभी तक वेब सीरीज में दर्शकों को बिना किसी नियंत्रण के बनाया हुआ कंटेंट उपलब्ध होता था, यही इस डिजिटल मीडियम की खासियत भी थी। गालियां, हिंसा, सेक्स सीन, सियासी कंटेंट बिना किसी लाग लपेट के देश के शहर शहर और गाँव गाँव तक पहुँच रहे हैं। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। खास तौर पर एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो पूरी तरह अडल्ट फिल्में और वेब सीरीज को करोड़ों लोग देख रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार 2019 में भारत में OTT वीडियो स्ट्रीमिंग यूजर्स की संख्या लगभग 17 करोड़ थी, जबकि 2025 तक इनकी संख्या 26.4% की दर से बढ़ने की संभावना है। भारत में लगभग 10 बड़े OTT प्लेयर्स हैं, लेकिन 2020 के दूसरी तिमाही के आंकड़ों के अनुसार OTT मार्केट के 40% हिस्से पर नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का कब्जा है, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी लगभग 20-20% है। 17% हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। लेट्स OTT की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 में MX प्लेयर का एक अडल्ट कॉमेडी शो एक दिन में सर्वाधिक देखा जाने वाला शो बना। इसे 1.10 करोड़ दर्शकों ने ऑनलाइन स्ट्रीम किया। लेकिन अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्मों की तरह डिजिटल कंटेंट को भी शायद सेंसर बोर्ड या सर्टिफिकेशन से गुजरना पड़े, यानी अडल्ट कंटेंट को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा और आपत्तिजनक सीन लगे तो उन पर कैंची चलना लाजमी है। मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। जपना, जपना, जपना। भारत में ऑपरेट करने वाले 8 बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर
जनवरी 2019 में एक सेल्फ रेगुलेशन वाला कोड तैयार किया था, जिसके मुताबिक वे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने वाले, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, बदनीयति से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले, देश की संप्रभुता को दर्शाने वाले राष्ट्र चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करने वाले और कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट को नहीं दिखाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने न सिर्फ इसे सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि केंद्र सरकार ने इसे किसी तरह से भी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। सवाल ये भी है कि अगर डिजिटल कंटेंट के लिए सेंसर बोर्ड बना भी दिया गया तो क्या विवादों पर पूरी तरह लगाम लग जाएगा? क्या किसी भी सेंसर बोर्ड का फैसला हर किसी को मान्य होगा? क्या फिर किसी की भावनाएं आहत नहीं होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि फिल्म पद्मावत के समय उठा बड़ा विवाद लोग भूले नहीं है। इस फिल्म को तो सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद करणी सेना ने आंदोलन खड़ा किया और लगातार हंगामा करती रही। अब सरकार के इस कदम को लेकर मनोरंजन की दुनिया से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने स्वागत किया तो फिल्म इंडस्ट्री और पत्रकारिता से जुड़ी जानी मानी हस्तियों ने इस पर एतराज जताया है। हाँ, सेल्फ रेगुलेशन इज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन उससे भी एक बेटर ऑप्शन है और वो है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने दो दिन पहले अर्णब गोस्वामी के केस में कहा था कि अगर आप कोई चैनल नहीं देखना चाहते तो उसे बदल दें, और मेरे हिसाब से INB मिनिस्ट्री को भी ये सलाह दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ पसंद ना हो तो आप आपके पास बहुत चॉइस है आज। इफ यू डोंट लाइक इट, जस्ट डोंट वॉच इट। वेब सीरीज आश्रम का प्रसारण करने वाले प्लेटफॉर्म MX Player के CEO करण बेदी मंत्रालय के इस फैसले को सकारात्मक तौर पर देखते हैं। एक जिम्मेदार कंटेंट बनाने वाली कंपनी के तौर पर हम न सिर्फ इस कदम से कंटेंट को बेहतर बनाने में बल्कि इस उभरते हुए सेक्टर में रचनात्मकता पर ध्यान देने में भी मदद मिलेगी। वहीं मेड इन हेवन वेब सीरीज बनाने वाली रीमा कागती ने इस पर एतराज जताया। इस फैसले से भारत में कंटेंट बनाने वालों को बड़ा नुकसान होगा जब वो पूरी दुनिया में दूसरों से मुकाबला करने उतरेंगे। मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, मुझे इसके कानूनी पहलू की जानकारी नहीं है, हमें गाइडलाइंस का इंतजार करना चाहिए। दरअसल पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म के सेल्फ रेगुलेशन का सुझाव दिया था, उसके बाद इसी साल 15 OTT प्लेटफॉर्म्स ने साथ आकर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था बनाई थी, जिसमें उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बातों पर सहमति जताते हुए सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी। इस संस्था में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ऑल्ट बालाजी, Z5, वूट और जियो जैसे नाम शामिल हैं। सितंबर में इस संस्था ने एक सेल्फ रेगुलेशन मॉडल का प्रस्ताव भी सरकार को दिया था, जो सरकार को पसंद नहीं आया। सवाल ये भी है कि क्या दूसरे बड़े देशों में भी डिजिटल कंटेंट का रेगुलेशन है? अमेरिका में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से रेगुलेट होते हैं, ये सरकार की स्वतंत्र संस्था है। इसी तरह अमेरिका में इंटरनेट को लेकर भी रेगुलेशन है। चीन, सिंगापुर और साउथ कोरिया में भी इंटरनेट आधारित सख्त सेंसरशिप कानून है। जानकारों का मानना है कि भारत में भी अब इसी तरह के नियम बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी डिटेल गाइडलाइंस तय नहीं की है। क्या अल्टीमेटली क्या होगा कि हम इंटरनेशनल शोज ही देखेंगे? हमारी जो देश के जो शोज होंगे ना, वो ईरान जैसे होंगे कि वो सटली कुछ कह रहे होंगे, ओपनली कुछ नहीं कह सकते हैं। एंड दैट इज रियली अनफेयर, बिकॉज हम ईरान नहीं है, हम चाइना नहीं है, हम सऊदी अरेबिया नहीं है। एक लोकतंत्र में इस तरह की समस्या से निपटने का सबसे बड़ा हथियार यही है कि जो आपको पसंद नहीं है उसको ना देखें। लेकिन किसी को अपनी बात कहने से इस तरह रोका जाना शायद पीछे जाना कहा जाएगा, और डिजिटल क्रांति के दौर में शायद पूरी तरह ये रोक लगाना मुमकिन भी ना हो। फिलहाल गाइडलाइंस का इंतजार है ताकि ये देखा जा सके कि सरकार किस हद तक रेगुलेशन की बात कर रही है।